व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखने होंगे। मैं हूँ शदीद लबाब, देख रहे हैं सालिकाबाद पेट लवर। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली दो दो गुड न्यूज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं काफ़ी टाइम से जो है वो इस इंतज़ार में था कि मैं कब ये जो है वो आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ जो है वो अपने सेटअप की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दो दो खुशखबरी हैं। वैसे तो ये खुशखबरी जो है एक खुशखबरी मुझे कुछ दिन पहले आ गई थी, बट जो दूसरी है वो आप लोगों को न्यू जो है वो शेयर करनी है। कुछ मसरूफियत की वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम वगैरह देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना सका था। तो मैं जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको छोटा सा एक क्लिप ऐड कर दूंगा जो थोड़ा सा टाइम का है। और वो गुड न्यूज़ सबसे नंबर वाली ये है कि हमारे पास जो ग्रेक कॉकटेल का पेयर था अल्हम्दुलिल्लाह उसने हैचिंग कर ली है। 3 eggs थे जिसमें से 2 बच्चे निकल आए थे, ठीक है। और तीसरे एग को मैंने अभी तक देखा नहीं था, वो आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर लाजमी शेयर करता हूँ। अभी टॉपिक के ऊपर जाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, तो कॉकटेल ने जो है वो दो पेयर की दो सॉरी जो एग्स हैं उनकी हैचिंग कर ली थी, उसमें से 2 चिक निकल आए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो बेसिकली कुछ जो क्लिप है वो तकरीबन 5 से 6 दिन पहले का है। मैंने वीडियो बना ली थी बट मैं प्रॉपरली शेयर नहीं कर सका, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के साथ साइड पर एक क्लिप दिखा देता हूँ। आप लोग पहले वो देख लें कि किस तरह से हैचिंग वगैरह हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो आप लोगों को मैं आगे मज़ीद दिखाता हूँ कि जो एक एग रह गया था उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कितने उसमें से बच्चा निकला या नहीं निकला, और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पेयर की भी प्रोग्रेस। और दूसरे नंबर पे हम लेके आए हैं जीरो एक्सपेंस बर्ड जिसको हम चाइना डब बोलते हैं। अपने सेटअप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो ऐड कर लिया, आप लोगों को उसको पेयर भी दिखाता हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। वो चाइना डब का पेयर ले आया हूँ, ठीक है। बहुत टाइम से जो है वो इसके बारे में सुन रहा था, जीरो कॉस्ट बर्ड जीरो एक्सपेंस बर्ड। तो अब जो है वो इसको मैंने अपने ऐड कर लिया है। माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत पेयर है। और सबसे अच्छी बात जो है, आज तो मैंने केज वगैरह की सफाई वगैरह की है, बट इन्होंने ये देखें, मैंने 2-3 इनको वो डाल के दिए थे, यहाँ पे पड़े हुए थे, तो वो इन्होंने जो है वो आपस में मिलजुल के और वो नेस्टिंग करनी शुरू कर दी है, वो इसमें बैठते भी हैं। अब देखें अल्लाह खैर रखे क्या गुड न्यूज़ आती है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको अपने सेटअप के ऊपर ऐड किया है। इंशाल्लाह अगर इसकी अच्छी प्रोग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह इसके पेयर्स को हम क्वांटिटी को जो है वो अपने सेटअप के ऊपर इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ जो थी वो माशाल्लाह आप लोगों के साथ ये थी। तो अब जो सेकंड है वो आप लोगों के साथ कॉकटेल की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये इसका मेन बाहर बैठा हुआ है, इसकी फीमेल जो है वो एग्स के ऊपर ही है, मतलब बच्चों को हैचिंग वगैरह भी सही प्रॉपरली, उसके बाद फीडिंग भी सही से करा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं के ऊपर बैठी हुई है, एक है ये पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर मैंने बच्चे को देखा तो नहीं है, बट या तो ये है कि मैं इसको नीचे उतार के आप लोगों से शेयर करता हूँ, इसमें क्योंकि नज़र नहीं आएगा, मैं आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन करके शेयर करता हूँ। व्यूअर्स ये देखें, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है कॉकटेल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो पहली दफ़ा अपने सेटअप के ऊपर ऐड किया था, बट मैंने इसका केज जो है वो नीचे उतार लिया है। इसके बारे में मैंने वैसे ये भी सुना था कि अगर इनको ज़्यादा तंग किया जाए ना तो फिर ये अपने जो चिक्स हैं ना उनकी फीडिंग कराना छोड़ देते हैं, बट अल्लाह खैर रखे आप लोगों का जो है वो अपडेट सही करनी है, इस वजह से मैंने इसको नीचे उतारा ताकि मैंने आपको चिक्स भी ये देखें, ये देखें माशाल्लाह चिक्स तो नज़र आ रहे हैं। एक वो देखें वो अंडा है, अब उसके अंदर हैच हुआ है चिक या नहीं हुआ उसको भी जो है वो फिर मुझे अलग से देखना पड़ेगा कि उसका क्या सीन है। मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर होगा कुछ, लग रहा है कि खाली है वो, बट ये फीमेल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके 2 चिक्स जो हैं वो हैच हुए हैं माशाल्लाह। फीडिंग भी जो है वो बहुत अच्छी करा रहे हैं ये दोनों, बट मुझे वो अंडे में देखने में नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं, वो खाली है अनफर्टाइल है। तो माशाल्लाह ये फीमेल इसकी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम, और ये इसका मेल। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ मैंने वीडियो में भी शेयर करता आया हूँ कि ये मैंने जो पेयर था ना ये मैंने पट्ठे लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पट्ठों के साथ जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा हुआ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कॉकटेल के अंदर बड़ा अच्छा रहा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद रहे, तो मैं इंशाल्लाह कॉकटेल जो है वो अपने सेटअप के ऊपर इंशाल्लाह और बढ़ाऊँगा, इनके बेबीज़ की जो जो प्रोग्रेस आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आगे अब हम बाकी दूसरे भी देखते हैं साथ। तो व्यूअर्स ये मैंने इनका जो है केज वापस अपनी जगह पे लगा दिया है, मैं नहीं चाहता कि इनको जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाए, ये अपना जो है वो तसल्ली से अपने जो बेबीज़ हैं उनकी फीड भी अच्छी तरह कराते रहे।
तो बेहतर रहेगा, अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी और जल्दी ये बेबीज जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा जो है इधर आ जाएं इस केज के अंदर, तो ये देखें आपको कुछ पीस मैंने, ये देखें आपको रेड आइज़ के पीस नज़र आ रहे हैं। अच्छा एक बैड न्यूज़ है यार, ये जो येलो कलर का मेल आपको नज़र आ रहा है इसके साथ की फ़ीमेल जो है वो एक्सपायर हो गई, कल जो है वो एक्सपायर हो गई जिसके। अब ये पीस जो है, ये माशाल्लाह जो है मेरे पास चिक्स निकले हैं, एक ये चिक निकला है जो है वो एग्जीबिशन स्प्लिट के अंदर से, उसके बाद एक ये वाइट रेड आइज में निकला है और एक ये सामने आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। ये बाकी कॉमन है, ये मैंने लगाई है मटकी, इसके अंदर एक पेयर जा रहा है ये वाइट वाला भी। तो फ़िलहाल तो ये येलो पीस इस तरह ही है, इसके साथ कोई फीमेल देखेंगे अगर इनमें से मुझे ये वाइट है, अगर इनमें से भी अगर वाइट में से कोई फीमेल जो है वो रेड आइज बन जाती है तो फिर मैं उस मेल के साथ लगा दूंगा, अदरवाइज़ ये कि हम फिर नहीं लेके आएंगे। बाकी ये थी आज की वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो, ये दो न्यूज़ हैं वो मैंने शेयर करनी थी। एक तो ज़ीरो एक्सपेंस बर्ड की, इसकी मैंने वैसे तो यही अब तक सुना है कि इसकी एक्सपेंस कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, और ये ब्रीड भी अच्छी करता है और लाइफ टाइम तकरीबन लाइफ टाइम से बता दिए कि ये अच्छे ब्रीड भी करता है और आपको जो है वो रिज़ल्ट भी अच्छे देता है, जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा बर्ड है। तो मुझे भी इसका कोई ज़्यादा ज़ाती जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो बट मैंने इसको ऐड किया अपने इंशाल्लाह सेटअप के ऊपर, देखेंगे इसकी क्या प्रोग्रेस आती है, जो प्रोग्रेस आएगी आप लोगों से इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक ले इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।